वेलकम बैक टू द चैनल। गन्ने का जूस पिया जा रहा है, गर्मी बहुत हो रही है अजमेर में, गन्ने का जूस तो बनता है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया, फूड ब्लॉग बनाया था, उसी तरीके से आज भी फूड ब्लॉग बनाने जा रहे हैं हम। इसका नहीं, गन्ने का जूस का नहीं, कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ का हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, देखते जाओ आगे। तो बहुत सपोर्ट दिखाया आप लोगों ने, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसी तरीके से इस वीडियो में भी अच्छा रिस्पॉन्स देना। बहुत उम्मीदें हैं, मेहनत लगती है, धूप में वीडियो शूट कर रहे हैं, एंड पिछले वीडियो में तो कैमरामैन भी बहुत थक गया बोल रहा है, हाथ थक गए मेरे, लेकिन हाँ इस वीडियो में कैमरामैन वो नहीं है, कैमरामैन दूसरा है, उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, तो आ भी जाएगा बाद में, अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में उसकी शक्ल, नाम भी बताते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अजमेर की नवरात्रि स्पेशल थाली, ठीक है। अजमेर में एक ही जगह मिलती है और एक ही जगह पर उधर ही काफ़ी वेराइटीज मिलती हैं थाली इसकी, तो चलते हैं दिखाता हूँ आप लोगों को थाली, और खाते भी हैं आपको दिखाते भी हैं, लोकेशन सब जानकारी देते हैं जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, है ना। तो गन्ने का जूस ख़त्म करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, होप मज़ा तो आएगा ही और मेरे को भी आएगा बनाते हुए, और जो हमारे कैमरा मैन उसको तो बाद में दिखाते हैं, नाम वाम सब बताते हैं। तो अभी तो आ जाओ चलते हैं, बाइक अपनी वहाँ खड़ी है, और ये एरिया कहलाता है वैशाली नगर, वैशाली नगर का ही चौराहा है यहाँ पर, और अपन यहाँ पर गन्ने का जूस पी रहे हैं। की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है, अगर वैसे लैंडमार्क बताऊं तो आप लोगों को ये सोनी जी की नसियाँ और अजमेर का डोमिनोज है उसके बीच में पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ आज कौन आया है, कौन वीडियो शूट कर रहा है, जो पिछली वीडियो में था ना वो नहीं है, इस बार कोई और है, इस बार ही मेरा दोस्त ही है, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं वीडियो में आने में। तो ये है वो, तो ये है, इसका नाम है जतिन, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो शूट कर रहा है, आगे भी शायद करेगा, बहुत सारी वीडियो में आएगा, ये पहली बार आया है मेरे चैनल पर, ठीक है। तो बता देना कैसा लगा, कितना हो रहा है, चित्ता कैसा। तो हम लोग आ गए हैं द थाली वाले के यहाँ, ठीक, द थाली वाला, और मैंने सोचा था कि नवरात्र चल रहे हैं तो नवरात्र थाली मंगाते हैं उसको करते हैं, लेकिन नहीं, मैंने सोचा ये तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे इस वक्त, तो अपन क्या करते हैं, अपन इनकी ही स्पेशल थाली जो है, जिस थाली का नाम है द थाली वाला स्पेशल थाली, ठीक है, अपन ने ऑर्डर करी है द थाली वाला स्पेशल थाली, तो वो आएगी, देखते हैं उसमें क्या क्या है, भैया से ही पूछेंगे कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या मिलाया है, तो पूछेंगे कि रेसिपी कैसे बनाई है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। इनके पास जो थाली अवेलेबल है ना उनके नाम मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मेन्यू मेरे सामने है, तो इसमें बाहुबली थाली भी है, गुजराती थाली भी है, पंजाबी थाली भी है, राजस्थानी थाली भी है, और एक हमने मंगाई है तो थाली वाला स्पेशल थाली, मारवाड़ी थाली भी है, टिक्कड़ स्पेशल थाली भी है, एग्जीक्यूटिव थाली भी है, स्टैंडर्ड भी है, और घर की थाली भी है। तो आकर के एक दिन अपन बाहुबली थाली भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बस सपोर्ट करते रहो, वीडियो देखते रहो, और उस वीडियो का इंतज़ार करो, और इस वीडियो के लुत्फ़ उठाओ, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। हाँ तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं अपनी थाली आ गई है, भैया जी आए थे, भैया से अपन थोड़ी वार्तालाप करेंगे, एक्चुअली क्या है वो थोड़ा बिजी हैं, तो बोल रहे हैं कि मेरे को थोड़ा टाइम दो, थोड़ी देर बाद बात करेंगे अपन, क्योंकि एक्चुअली क्या स्टाफ कम है। तो मैं आपको बताया था, उन्होंने मेरे को बताया, ये है अपना पनीर बटर मसाला, ये है अपना मलाई कोफ्ता, ये है दाल तड़का, ये अपना प्याज नींबू, ये अपना गुलाब जामुन, ये अपना पुलाव, और ये पापड़, ये रायता, ये अपना क्या था वो नान है, और ये लच्छा पराठा है, ठीक है। और इसका टोटल प्राइस शायद कितना है, 300 रुपीज़ है ना। और अपन आकर के बाहुबली थाली भी ट्राई करेंगे एक बार, उसके लिए तो कम से कम 2-3 लोग चाहिए होंगे, नहीं बाकी तुम लोग बताओ कैसा है, ठीक है। भैया आएंगे, बातचीत करेंगे अपन। भाई अपुन क्या कर रहे हैं यार, भाई मेरे से रुका नहीं जा रहा है, भैया आए भी यार, खा लेता हूँ मैं।
क्या खाओगे? बिना बताए खा गया पहले, खाली तो रिव्यू करने थे। जो हमारे शॉप के ओनर है वो तो थोड़ा बहुत बिजी हैं तो टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये हमारे शेफ हैं। आपका नाम? नारेंद्र सिंह नाम है इनका। और भैया सबसे पहले ये बताइए कि शॉप कब खुली? 2 साल के समथिंग हो गया शॉप को खुले हुए। अजमेर में सिर्फ यहीं पर मिलती है ना, यहीं पर मिलती है थाली, 5 तरीके की थाली। मैंने आपको बताया सबके नाम। इस वाली थाली का जो रेट है वो 300 रुपीज़ है। एक बाहुबली थाली भी, उसका हम बाद में रिव्यू करेंगे। तो भैया आप मुझे बता दीजिए कि इसमें कैसे है। बाकी मैंने ये तो बता दिया कि कैसे क्या क्या है। दाल मखानी है, मलाई कोफ्ता है, पनीर बटर मसाला है, रायता है, गुलाब जामुन, सलाद, पापड़, लच्छा पराठा, एक नान आता है। इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है आपने पनीर बटर मसाला में? पनीर बटर मसाला रेड ग्रेवी आता है सर। रेड ग्रेवी और इसको ये बेसन होगा? नहीं, ये मलाई कोफ्ता मतलब वो मावा के आलू, मावा के आलू बना, आलू और मावा, आलू और मावा से मिक्स है तो इसको बनाया है। ये दाल हमारी दाल तड़का, दाल मखानी है। ओके, सलाद, गुलाब जामुन, जीरा राइस, ओके, रायता। तो भैया आपके रेस्टोरेंट की जो टाइमिंग है वो क्या है? 11 बजे से रात के 11 बजे तक। सुबह 11 से रात के 11 बजे तक। ओके, अवेलेबल है सर्च मारना द थाली वाला करके, ठीक है? लोकेशन मैंने आपको बता दी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। बाहुबली का हम बाद में देखेंगे। तो ये था, और भी सवाल जब हम बाद में अगली वीडियो जब हम नेक्स्ट बनाएंगे आकर के तब चेक करेंगे, तो तब भैया फ्री फ़ोन करके टाइम ले लेंगे भैया से कि अब हमको टाइम दे देना। तो अभी तो हो गया, अब इसको टेस्ट करते हैं। तो भाई मेरे से रहा नहीं गया, मैं खा गया एक बाइट, लेकिन अब वीडियो के लिए खा रहे हैं। ये अपना बटर नान, ये अपना पनीर बटर मसाला, टेस्ट करते हैं कैसा है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, ट्रस्ट मी, आ कर के खा लेना। बट अगर नहीं आ सकते हो तो ऑर्डर कर लो, बहुत स्वादिष्ट है। हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा स्वीटनेस है, क्रीमी है, स्पाइसी नहीं है, बढ़िया है। ये स्पाइसी है, बहुत बढ़िया। ये स्वीटनेस है इसमें, बहुत ही बढ़िया। दाल तड़का ट्राई करते हैं, दाल मखनी, सॉरी दाल मखनी। बहुत बढ़िया है, ट्रस्ट में बहुत बढ़िया। मैं लाइफ में पहली बार थाली ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं करी, पहली बार कर रहा हूँ। इसको तो सब स्वाद जानते हैं सब। ये अपना देसी सलाद है, ये अपना जीरा राइस है, ये अपना रायता टेस्ट कर लेते हैं। बूंदी का रायता है, घर में जो रायता बनाते ना मम्मी, उसकी याद दिला रहा है। ये बहुत बड़ी है और ये ज़रूरी भी है। और ये लस्सी है, अलग से मंगवाई है, इसके बिना तो थाली अधूरी है, तो ये हमने मंगवाई है। और ये नान और ये अपना लच्छा पराठा, ठीक है? ट्राई ज़रूर करना इसको, हम खाते हैं। जतिन भी हमारा भूखा है तो उसको भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, ख़त्म करते हैं उसके बाद भूखा, ठीक है? पेट भर गया भाई, बहुत मज़ा आया खा के। एक्स्ट्रा पनीर मंगाया था और एक्स्ट्रा गुलाब जामुन मंगाया था हमने। अभी पेट में बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन वहाँ खाना तो सब बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो बहुत मज़ा आया। तो गाइज यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। गाइज जिस तरीके से पिछली वीडियो को आप सपोर्ट कर रहे हो, उसी तरीके से इस वीडियो को भी सपोर्ट करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और क्या क्या होता है जो भी होता है कर दो, बस डिसलाइक मत करना, दिल से बुरा लगता है, ठीक है? तो मिलते हैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो और फाड़ होएगी, मैं हर वीडियो पे कुछ ना कुछ नया करने की ट्राई कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम थाली मैंने ट्राई करी है, एंड आप लोगों के लिए करिए। एंड मेरे साथ है जतिन, मिस्टर जतिन,
कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया भाई। पेट सबसे बेस्ट क्या लगा भाई? पनीर सबसे बेस्ट लगा। पनीर और लस्सी भी बहुत बढ़िया। पनीर लस्सी गुलाब जामुन बहुत बढ़िया थी भाई। अभी तो नींद आ रही है पर भी घर भी जाना है। घर जाना है और फिर सोच रहे हैं वीडियो को और शूट करें, बट शायद वो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत हैवी हो गया, देख रहे हो ना। तो मिलते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में। मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। राजीव भैया लव यू। हाँ भाई, क्या क्या करना पड़ता है वीडियो के लिए? पेट बाहर आ गया भाई, 4 किलो कम किया था एक हफ्ते में। हाँ 4 किलो कम किया था।